दिन आदाब। एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमने जो खबर आपके लिए लाई है उसे सुनकर यकीनन आपकी रूह मसरूर हो जाएगी, आपका कल्ब मुअत्तर हो जाएगा और आप सरस से फूले ना समाएंगे। नाजरीन, दरअसल 10 जनवरी को शहर के रसूल फंक्शन हॉल में एक नहायत ही नूरानी, रूहानी और फैजानी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसमें बिलखसूस ज़ियारत आसार शरीफ, तबरुकात कसीरा और मुतबर्रिक पानियों का एहतमाम किया जा रहा है, यानी आप आसार शरीफ को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर सकेंगे। साथ ही साथ मुख्तलिफ पाकिजा मुकद्दस पानियों को हल करके आपको पेश किया जाएगा, आप उसे नोश भी फरमा सकते हैं। इस तकरीब की सदारत अय्यशा अशरफ रजा हुसैनी सज्जादनशीन व मुतवली बारगाह हजरत खुतबे रजूर फरमाएंगे, जबकि सैयदशाह हाफिज पीर हुसैनी चिश्ती अल कादरी बानी खानकाह हुसैनिया नवाबगढ़ और सैयदशाह अमीनुद्दीन कादरी अल बसरी सज्जानशीन आस्ताने आलिया कादरिया महबूबिया यरगिरा की सियादत में जलसा मुनक़िद होगा और इस जलसे की क़यादत कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और वार्ड नंबर 15 के रुकन बल्दिया जे साजिद समेत करेंगे। जलसे की निगरानी मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी सैयद इस्माइल करेंगे। इस जलसे की हिमायत सैयद शाह सादिक पीर हुसैनी चिश्ती अल कादरी सज्जानशीन आस्ताने लतीफिया नरगुन करेंगे। साथ ही साथ मोहम्मद रसूल साबिका वक्फ चेयरमैन रायचूर और सैयद शौकतुल्ला कादरी कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर इस जलसे की हिमायत फरमाएंगे। जलसे के कन्वीनर मौलाना सैयद शाह ख्वाजा अहमद पीर कादरी चिश्ती अल हुसैनी खतीब शाही जामा मस्जिद रायचूर ने अवामुन्नास से इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करने की अपील की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिबत वल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिल अकरमीन अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शहरियान रायचूर को ये जानकर बड़ी मसर्रत होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर रायचूर में बरोज़ इतवार 10 जनवरी सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत का और तबर्रुकात कसीरा का और मुकद्दस और मुतबर्रिक पानियों का एहतमाम किया जा रहा है। सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक ख़वातीन के लिए एहतमाम रहेगा और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मर्द हजरात के लिए इस ज़ियारत का एहतमाम किया जा रहा है। इस ज़ियारत में बिलखसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़े मुबारक पहली मरतबा शहर रायचूर में लाए जा रहे हैं, जो तकरीबन 50 इंच से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम अपनी आँखों से हुजूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन ज़ुल्फ़े मुबारक की दीदार से हम मुशर्रफ़ होने वाले हैं। तो लिहाजा मैं आप तमाम से शहरियान रायचूर से और अतराफ व अकनाफ के रहने वालों से भी ख्वाहिश करता हूँ कि सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाए। आप अपने घर की खवातीन को सुबह 11 से लेकर 1 बजे के दरमियान में यहाँ पर भेजे ब मकाम रसूल फंक्शन हॉल बस स्टैंड रोड रायचूर बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे से इस प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है और इस बाबरकत महफिल की सदारत तकद्दुस माब पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी साहिब क़िबला सज्जदा नशीन आस्ताना आलिया खुतबे रायचूर फरमा रहे हैं, जबकि इस बाबरकत महफिल की सियादत तकद्दुस माब पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह हाफिज पीर हुसैनी साहिब क़िबला चिश्ती अल कादरी बानी खानकाह हुसैनिया नवाबगढ़ रायचूर फरमाएंगे और उनके साथ में तकद्दुस माब पीर तरीक़त हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह हाफिज अमीनुद्दीन शाह कादरी साहिब क़िबला बानिये खानकाए कादरिया बसरिया नवाबगढ़ और सज्जदा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया महबूबिया यरगिरा फरमा रहे हैं, जबकि इस बाबरकत महफिल की क़ियादत क़ायद कौम मिल्लत आली जनाब जे साजिद समीर साहब फरमाएंगे और अलावा उनके इस बाबरकत महफिल की हिमायत में तकद्दुस माब हज़रत सैयद शाह सादिक पीर हुसैनी साहिब क़िबला सजदा नशीन आस्ताना लतीफिया नरगुन और अलावा उनके इज़्ज़त माब आली जनाब सैयद शौकतुल्ला कादरी साहब और अलावा उनके आली जनाब सैयद आली जनाब मोहम्मद रसूल साहेब क़िबला साबिक चेयरमैन ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी फरमाएंगे। लिहाजा मैं
आप तमाम से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि सुनहरे मौके से फायदा उठाएं, और साथ ही साथ एक गुजारिश ये भी करता हूँ कि इस बाबरकत महफिल में इंशाअल्लाह अज़ीज जितने भी ज़ायरीन ख़वातीन मर्द हजरात आएंगे उन तमाम के लिए हमने मुतबर्रिक पानियों का अहतमाम किया गया है, जिसमें बिलखुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुएं में कुल्ली फरमाई थी, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे मुबारक जिस कुएं में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, उस बाबरकत कुएं का पानी भी ज़ायरीन को यहाँ पर बतौर तबर्रुक के दिया जाएगा। और मैं ख्वाहिश करता हूँ उन तमाम ज़ायरीन से जो यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं, अगर आपके घरों में जमजम मौजूद हो तो उसे लेकर आएं ताकि हम उस जमजम में मिलाकर बतौर तबर्रुक के आपको दे सकें, और आप अगर चाहें तो उसे अपने घर में ले जाकर रख सकते हैं ताकि उस मुकद्दस पानी के जरिए से आप हर तरह के अमराज के वक्त में उसे इस्तेमाल कर सके, और उस बाबरकत पानी में जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक भी शामिल है, अलावा उसके आप उस मुकद्दस और बाबरकत पानी में जो है सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक जो गुस्ल दिया गया है, उस गुस्ल मुबारक का पानी सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह तआला के गुस्ल मुए मुबारक को गुस्ल दिया गया पानी, अलावा उसके मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला के जुल्फ मुबारक को गुस्ल दिया गया पानी, ये सारे मुकद्दस पानियों को उसमें एक जा जमा किया गया है, जो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती और खुशबख्ती की बात होगी कि ऐसे मुकद्दस पानी को पीने का अल्लाह जल्ला जलालहू हमें शर्फ अता फरमा रहा है। तो लिहाजा सुनहरे मौके से फायदा उठाए। इस बाबरकत महफिल में जो अहम चीजें हैं एक बार तवा फिर दोहराता चलूं, सबसे अहम चीज ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना हुजूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फे मुबारक हैं, अलावा उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक भी हैं, और उसके अलावा मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला के जुल्फे मुबारक है, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह तआला के जुल्फे मुबारक है, और हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील है आपके मजार मुबारक की मिट्टी को भी लाने का शर्फ मिल रहा है, और अलावा उसके सैयदतुना फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो खातून जन्नत हैं, आप रजी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म मुबारक से जिस चादर को निस्बत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उस चादर मुबारक का कुछ हिस्सा बतौर तबर्रुक की ज़ियारत के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है, अलावा इसके कई और मुतबर्रिक और मुकद्दस अशिया हैं जिसका मैं जिक्र इस मुख्तसर लम्हात में नहीं कर पा रहा हूँ। बहरहाल शहरियान रैचूर को ये बड़ी खुशकिस्मती है, उनके लिए बड़ी सआदतमंदी की बात होगी कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सुनहरे मौके से अगर इस्तेफादा करेंगे तो ये आपके लिए सआदत दारैन साबित होंगे। अल्लाह जल्ल जलालहु की बारगाह में दुआ है, वहदहु ला शरीक खालिक अर्ज़ो समा मालिक जल्ल जलालहु हम सबको इस बाबरकत और मुकद्दस अशिया की बदौलत खुदा जल्ल जलालहु हमारी दिली मुरादों को कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।